आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास के पहले गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास में आने वाले सभी गुरुवार को श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जीवन से दुख दरिद्र तथा कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख शांति तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महालक्ष्मी माता के अनेकों रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में वह छाया शक्ति तृष्णा शांति जाति लज्जा श्रद्धा कांति वृत्ति स्मृति दया तुष्टि माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। आइए शुरू करते हैं। सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माँ श्री महालक्ष्मी की कथा। द्वापर युग में सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम के राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी धर्मनिष्ठ तथा वेदों पुराणों के ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा वह पतिव्रता नारी थी। उन दोनों के 7 पुत्र तथा 1 कन्या थी। उनकी कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन और दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख प्रदान करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार पर पहुंच गई। महालक्ष्मी माँ ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया हुआ था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने महालक्ष्मी जी का नाम धाम काम और धर्म पूछ लिया। वृद्ध स्त्री का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारकापुरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे हर रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से महालक्ष्मी माँ उस पर प्रसन्न हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतान तथा संपत्ति से भर गया। वह दोनों पति पत्नी सुख भोग कर बाद में परलोक को सिधार गए। लक्ष्मी जी का व्रत करने के प्रभाव से वह दोनों लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी माँ का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में वह वैश्य की पत्नी राजघराने में पैदा हुई, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। मैं उसे वह व्रत याद दिलाने के लिए आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी माँ का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। तब बुढ़िया का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके रानी को बूढ़ी स्त्री के आने के बारे में बताने गई।
राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता महालक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में माता महालक्ष्मी को राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी माँ की ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष अथवा अघन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ वह ससुराल में आनंद से जीवन जीने लगी। दूसरी ओर रानी पर श्री महालक्ष्मी माँ का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राजकोष नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा भद्रश्रवा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, क्यों ना हम उसके पास चलें और उसे अपना हाल बताएं, वह अवश्य ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे वह विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आई हुई दासियों ने राजा को वहां बैठे हुए देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। पूछने पर पता चला कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से जाकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ वस्त्र भेजकर बड़े आदर सत्कार से अपने पिता को खान पान कराया। जब वह लौटने लगे तो उसने राजा को सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े को खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो सोने की मोहरों के बदले कोयला मिला। यह सब माँ महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार राजा और रानी कई दिनों तक दुर्दशा में रहे। कुछ समय बीतने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री श्यामबाला के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी माँ का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत तथा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई अतिथि सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर हुआ। परंतु श्यामबाला ने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से
थोड़ा सा नमक ले लिया और वापस लौटने पर श्यामबाला के पति ने पूछा, तुम मायके से क्या लाई हो? तब उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। इस पर उसके पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला बोली, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक का बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा और सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए उसमें कोई स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने पिता के घर से लाया हुआ नमक डाला और भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उन्हें माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ महालक्ष्मी की कथा को सुनने अथवा पढ़ने वालों के घर में सुख संपत्ति तथा शांति का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने के बाद माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को माँ महालक्ष्मी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा पूर्ण हुई। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको मार्गशीर्ष अघन मास की गुरुवार की श्री महालक्ष्मी जी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।